नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम में स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं अरविंद कुमार सिंह। इस एपिसोड में हम चर्चा करने जा रहे हैं ई विधान पर। भारत सरकार का संसदीय कार्य मंत्रालय ई विधान को लेकर काफ़ी गंभीर पहल कर रहा है। इसके तहत संसद के दोनों सदनों के अलावा कुल मिलाकर के 40 विधायी निकाय एक सूत्र में जुड़ने जा रहे हैं। डिजिटलीकरण के साथ ही साथ पूरे देश के विधायी निकायों को एक साथ जोड़ने के लिए ये बहुत ही गंभीर और दिलचस्प पहल है। आइए आपको दिखाते हैं स्पेशल रिपोर्ट। यह है देश के सबसे व्यवस्थित पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश की विधानसभा। आकार में भले ही ये छोटी है, लेकिन दुनिया की बेहतरीन डिजिटल विधानसभा होने के नाते इसकी अलग हैसियत है। भारत में ई विधान का ये अनूठा मॉडल है, जिसे देश की विधानसभाएं अपनाने की ओर अग्रसर हैं। देश के 22 विधानसभाओं के आला अफसर इसका दौरा कर चुके हैं। हिमाचल विधानसभा ने 6 अगस्त 2014 से ई विधान प्रणाली शुरू की। हिमाचल प्रदेश ने ई विधान के ऊपर काफ़ी अच्छा काम किया है। 2014 से लगातार इसके ऊपर काम हो रहा है और बहुत अच्छी बात यह है कि हमारे प्रश्न जो विधायकों से आते हैं, हमारी विधानसभा से सचिवालय के लिए जाते हैं, उनके उत्तर आते हैं, वो सब के सब ऑनलाइन आते हैं और हम उनको अपने कंप्यूटर टेबल के ऊपर पूरी तरह से डायरेक्टली रिफ्लेक्ट करते हैं। इसी तरह से जितने पेपर लेइंग हैं वो गवर्नमेंट से भी डायरेक्ट आते हैं और डायरेक्टली हम उसको ले करते हैं और वो हमारी प्रॉपर्टी उसी प्रकार से चलती है। विधायक लोग भी आज पूरी तरह से एकस्टम्ड हुए हैं। विधायकों के पास और एक ऐप है, उस ऐप के माध्यम से वो प्रतिदिन अपनी स्थिति को और ऑब्जर्व कर लेते हैं। जो भी नोटिस है, जितनी मीटिंग्स हमारी होती हैं, विधानसभा कमेटियों की मीटिंग्स हैं, उनकी प्रोसीडिंग्स हैं, वो सारी उनको ऐप के ऊपर उपलब्ध होती हैं। भारत की ये पहली पेपरलेस विधानसभा कई मायनों में खास है। भारत सरकार की 8 करोड़ 12 लाख की मदद से इसे पायलट परियोजना के लिए चुना गया। इसके नतीजे बेहद उत्साहजनक रहे। अब यहाँ सालाना 15 करोड़ रुपए की बचत हो रही है और 6000 पेड़ कटने से बच रहे हैं। हिमाचल प्रदेश ने 30 मार्च 2015 को एंड्रॉइड आधारित मोबाइल ऐप ई विधान शुरू किया। इसकी मदद से सभी सदस्य विधायी कामों से लेकर सवाल जवाब 45 मिनट पहले देख सकते हैं। विधानसभा ने एक अलग ई विधान विंग बनाया है और अपने सारे अहम रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज कर दिया है और इसके कई फायदे साफ नजर आ रहे हैं। हमारी बहुत एफिशिएंसी बढ़ी है और सेशन के अलावा हमारे जो कमिटीज की जो मीटिंग्स होती है मंथली, उस पर भी हमारा ऑनलाइन सिस्टम हो गया है। उस पर भी कमिटीज के जो भी हमारे रिप्लाईज आते हैं ऑनलाइन होते हैं और डिस्कशंस भी ऑनलाइन ही डिस्प्ले होती है। तीसरा अभी शुरू किया है ई कंस्टिट्यूएंसी मैनेजमेंट, तो ऑनरेबल मेंबर्स के लिए उनके कंस्टिट्यूएंसी स्पेसिफिक जो भी उनके पास रिप्रेजेंटेशंस आती है पब्लिक की, वो ऑनलाइन वहाँ पे अपलोड होती है कंस्टिट्यूएंसी वाइज और वहीं पे उसके ऑनलाइन ही उसकी रिप्लाईज जो है वो अपलोड हो जाती है। तो उसका ऑनरेबल मेंबर्स को भी और
आम पब्लिक को भी एफिशिएंसी भी बढ़ी है रिप्लाइज में और आसान भी हो गया है, और दूसरा उसकी मॉनिटरिंग बहुत आसान हो गई है कंस्टिट्यूएंसी वाइज। ई विधान प्रणाली के लिए हिमाचल विधानसभा को 4 प्रतिष्ठित पुरस्कार मिल चुके हैं। राष्ट्रीय ई विधान अकादमी हिमाचल में बने इसकी पैरोकारी में विधानसभा अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल लगे हैं। वो चाहते हैं कि देश भर के सांसद, विधायक और अधिकारी अकादमी में प्रशिक्षण लें। अगर केंद्र सरकार हमको वो एकेडमी देती है बनाने के लिए, मैं ये मानता हूँ कि बेस्ट पॉसिबल टीचिंग उस एकेडमी के माध्यम से हो सकती है, रिसर्च वर्क भी वहाँ पर हो सकता है, और हम लोग भी अपने आप को अपडेट कर पाएंगे और देश और विदेश के लिए भी एक उपलब्धि वो एकेडमी हो सकती है। भारत सरकार नेशनल ई विधान एप्लीकेशन यानी नेवा को पूरे देश में लागू करने में जुटी है। विधायी निकायों के कामकाज को पेपरलेस बनाने के साथ डिजिटलीकरण की ये मिशन मोड परियोजना फिलहाल डिजिटल इंडिया का खास हिस्सा है। भारत सरकार की उच्च प्राथमिकताओं में शामिल ये परियोजना केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्रालय के जिम्मे है। करीब 740 करोड़ के खर्च पर यह साकार होगी, लेकिन इसका व्यापक फायदा होगा। हमारा प्रयास है कि डिजिटल विधानसभा बनाएं, उसके लिए जो हिमाचल प्रदेश का एक्सपेरिमेंट है, जो राज्यसभा और लोकसभा के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रैक्टिसेस हैं, उसको देखकर किस तरह से हम हर एक हाउस को इंटेलिजेंट बना सकते हैं, डिजिटल बना सकते हैं। और ये प्रयास वही है कि हमने ऐसा बनाया है, आप लोग भी देख लीजिए, अगर पसंद आए तो करिए। लेकिन हमें बड़ी खुशी है कि बहुत सारे हाउसेस ने अपनी प्रशंसा दिखाई है। इनफैक्ट आप देखेंगे कि 30 से 31 हाउसेस ने इसको लागू करना शुरू कर दिया है। हाँ, जितनी जानकारी उतना ही, लेकिन आग्रह तो है और सबका आग्रह है कि हम ट्रांसपेरेंट बने, फेयर बने, जो हमारी इन्फॉर्मेशन है लोग जाने, जनता जाने, रिसर्चर्स जाने, खाली हाउस तक सीमित ना रहे। तो ये तो हम अपनी डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को सबके साथ शेयर करना चाहते हैं। नेशनल ई विधान एप्लीकेशन यानी नेवा मोबाइल ऐप सदनों में टच स्क्रीन डिवाइस स्थापित किए बिना भी उपयोग में आ सकता है। संसदीय कार्य मंत्रालय और टीम नेवा ने मानसून सत्र 2018 के दौरान राज्यसभा प्रोसीडिंग को लाइव किया। लोकसभा भी ऐसी ही तैयारी में लगी है। सदस्य केंद्रित नेवा में सदनों के रोजमर्रा के कामकाज के साथ लिस्ट ऑफ बिजनेस, नोटिस, बुलेटिन खंड 1 और 2, तारांकित और अतारांकित प्रश्न और उत्तर, विधेयक, प्रोसीडिंग कमेटी की रिपोर्ट, नियम और प्रक्रिया के साथ डिजिटल लाइब्रेरी, प्रोविजनल कैलेंडर, रेफरेंस मटेरियल, बजट और बहुत कुछ सुविधाएं हैं। उपयोग में ये काफी सहज है, इसमें सदस्यों के लिए सुरक्षित पेज है। इसमें सबसे जो एक कहें जो चेंज लाया है, वो जो मेंबर्स जो हैं ऑनलाइन क्वेश्चन नोटिसेस अपने कहीं से भी भेज सकते हैं, उनको विधानसभा में आके लिखित तौर पे देने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद जो भी प्रोसीडिंग्स हैं या हर चीज़ जो है उनके मोबाइल पे भी अवेलेबल रहती है और वेबसाइट्स के माध्यम से भी वो देख सकते हैं। तो इससे फ़ायदा सिर्फ मेंबर्स को नहीं हुआ है, इवन जो है गवर्नमेंट पूरे कंट्री को फायदा, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को फ़ायदा है जिनको रात भर जो है पेपर का रिप्लाई देने विधानसभा में या आना पड़ता था, वो वहाँ से ऑनलाइन जो है अपना कभी भी किसी भी समय भेज सकते हैं। और पूरा सेक्रेटेरिएट की वर्किंग में जो है स्पीडअप हुआ है, काम ईजी हो गया है। और ये भारत की इंडिया की फर्स्ट असेंबली है जो पेपरलेस हुई है। नेशनल ई विधान एप्लीकेशन यानी नेवा की मदद से पहली बार एक देश एक एप्लीकेशन साकार होने जा रहा है। इससे जहां सभी सदन आपस में जुड़ जाएंगे, वहीं सालाना करीब 1.13 लाख से अधिक सवाल, 25,662 नोटिसें, 17,008 विधेयक, 515 कमेटियों की रिपोर्टें और विधायी निकायों के 10,043 दस्तावेज नेवा ऐप और वेबसाइट की मदद से मीडिया, आम नागरिकों और रिसर्चरों के साथ सदस्यों को काफ़ी फायदा होगा। संसद और विधानमंडलों के 5,374 सदस्य मेल और फोन से आपस में जुड़ सकेंगे। इसके लिए सदनों में वाईफाई सुविधा ज़रूरी होगी। इसमें डिवाइस के तौर पर स्मार्टफोन, टैबलेट और टच इनेबल्ड लैपटॉप का इस्तेमाल हो सकता है। मैं बधाई देना चाहता हूँ अपने पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्ट्री के ऑफिसर्स को, जिन्होंने एक बहुत मेहनत करके इस एप्लीकेशन को डेवलप करने की कोशिश की है। और मुझे इसमें ज़रा भी शक नहीं है कि इसकी इंफॉर्मेशन का लोग ज़्यादा से ज़्यादा
फायदा उठाएंगे। ये सारी तैयारी भारत की संसद और विधानमंडलों को भविष्य में पूरी तरह पेपरलेस बनाने का हिस्सा है। सवालों के जवाब, विधेयकों की प्रतियां और जरूरी दस्तावेज ऑनलाइन उपलब्ध होंगे तो कागज बचेगा। संसद और विधानमंडलों के साथ उनके सचिवालय पूरी तरह डिजिटल बनेंगे। सरकारी विभाग सचिवालयों से ऑनलाइन संपर्क में रहेंगे और बहुत कुछ होगा। आईटी के उपयोग से भौगोलिक दूरियों को भी कम किया जा सकेगा। संसदीय प्रणाली में लोगों की सहभागिता बढ़ेगी और विधेयकों के बाबत उनके सुझाव ऑनलाइन हासिल हो सकेंगे। संसद के दोनों सदन इस तैयारी में आगे हैं, लेकिन अभी विधानसभाओं और विधान परिषदों की तस्वीरें बेहतर नहीं है। अभी रिपोर्ट आई है कि हिमाचल विधानसभा में एक स्टडी हुई है कि उनकी जो सेविंग है हर साल है पेपर के रूप में लगभग 5 करोड़ के ऊपर की सेविंग है। तो कम से कम उतने वृक्ष तो नहीं कटेंगे, हम इसको ग्रीन लेजिस्लेचर की तरफ ले जा सकते हैं। संसद और विधानसभाओं को पेपरलेस बनाने को लेकर लंबे समय से मंथन चलता रहा है। 2015 में लखनऊ में हुए विधायी निकायों की पीठासीन अधिकारियों के 77वें सम्मेलन में ये खास एजेंडा बना। समय के साथ आए तकनीकी बदलावों के लिहाज से नई रणनीति बनाने पर सबका जोर था। तय हुआ कि इंटरनेट क्रांति का फायदा विधायी निकाय भी उठाएं। लखनऊ सम्मेलन के पहले हिमाचल प्रदेश का मॉडल सबके सामने आ गया था। विधायी निकायों के सचिवों की राय थी कि जनाकांक्षाओं के अनुरूप जनप्रतिनिधियों को आईटी की मदद से और सशक्त बनाने की जरूरत है। काफ़ी मुश्किलें भी थी, बहुत कैपेसिटी बिल्डिंग की गई, अलग अलग से मेंबर्स को जो है उनकी ट्रेनिंग करी गई, उनको समझाया गया। पहले उनको अडॉप्शन में इजी, कुछ मेंबर्स जो थे इनिशियली तैयार नहीं थे तो उनको बताया गया, समझाया गया। जब धीरे धीरे उसमें उन्होंने किया, कुछ हमने पहले डमी सेशंस भी किए, पैरेलल चलाते रहे कि आप देखिए सेशन में आप बैठ के तो देखिए कर कीजिए। जब मेंबर्स तैयार हो गए तो फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की बात आती थी, तो वहाँ जो मिनिस्टर्स हैं, सेक्रेटरीज जो हैं और वो स्टाफ है, उनको अलग से बुला के विधानसभा में एक ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया। फिलहाल भारत सरकार की कोशिश है कि लोकसभा और राज्यसभा के अलावा 31 विधानसभाओं और 7 विधान परिषदों में एक ही एप्लीकेशन से काम हो। लोकसभा और राज्यसभा में फिलहाल 380 एप्लीकेशन काम कर रहे हैं। अगर इनके साथ विधानसभाओं को भी जोड़ लें तो करीब 4000 से अधिक एप्लीकेशन काम कर रहे हैं। ये विशाल सूचना का प्रबंधन कर रहे हैं, लेकिन वहां तक पहुंच सहज नहीं है। नेवा के माध्यम से सब कुछ एक प्लेटफॉर्म पर आने से एक क्लिक में सुलभ होगा। नई पहल से सब कुछ मोबाइल पर ही सहज हो जाएगा। आज मेंबर्स चाहते हैं कि हर चीज़ सूचना जो उनके पॉकेट में हो, और मोबाइल एप्लीकेशन आपने देखा होगा कितना सहज है। नेशनल विधान एप्लीकेशन गूगल पर है, एप्पल पर है, और किसी भी डिवाइस है, डिवाइस एग्नोस्टिक है। और इसमें एक सुविधा है कि वही मेंबर एमएलए कल एमपी बनते हैं, एमपीज लोग भी मिनिस्टर बनते हैं और बहुत सारे बनते हैं, तो उनको जो सूचना का तंत्र है वो सबको सटीक मिले, उचित मिले और एक ही फॉर्मेट में मिले, ताकि बार बार ट्रेनिंग करने की जरूरत ना पड़े। नेशनल ई विधान यानी नेवा को लेकर संसदीय कार्य मंत्रालय ने बीते 24-25 सितंबर को 2 दिनों की राष्ट्रीय ओरिएंटेशन कार्यशाला की। इसमें संसदीय कार्य मंत्रालय, राज्यसभा, लोकसभा और विधायी निकायों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। इसके बाद बने माहौल से संसदीय कार्य मंत्रालय के सचिव SN त्रिपाठी काफी उत्साहित हैं। केंद्रीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने नेवा की नई वेबसाइट लॉन्च करते हुए विचार रखा कि विधानमंडलों के कामकाज से संबंधित सूचना वास्तविक समय में और यूजर अनुकूल तरीके से उपलब्ध हो तो काफी फायदा होगा। डिजिटल कामकाज से पारदर्शिता और उत्तरदायित्व बढ़ेगा। अगर सिस्टम पेपरलेस हो जाए और चीजें मोबाइल पे या टेबलेट पे आ जाए तो एमपी ज्यादा काम कर सकता है, ज्यादा काम कर सकता है। इसी दिशा में हम बढ़ रहे हैं ना। नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत की राय है कि नेशनल ई विधान विधायी निकायों के लिए एक क्रांति की भूमिका लिखेगा। वैसे भी देश में डिजिटल क्रांति का असर दिखने लगा है। DBT के तहत 90,000 करोड़ रुपए का ट्रांसफर आम आदमी तक हो रहा है। नई पहल काफी उपयोगी होगी। In this government, 100% money is reaching the beneficiary. 500 schemes, direct benefit transfer, 90,000 crores has been saved. 90,000 crores. No country has been able to achieve this. And all through digitization.
संसदीय कार्य राज्य मंत्री विजय गोयल संसदीय कार्य मंत्रालय की इस पहल और हिमाचल विधानसभा के कामकाज से काफी प्रभावित हैं। हाल में ऑनलाइन आश्वासन निगरानी प्रणाली भी शुरू की गई है। इससे संसद के दोनों सदनों में मंत्रियों के आश्वासन से संबंधित सूचनाएं डिजिटल प्रारूप में उपलब्ध होंगी। इस सॉफ्टवेयर को संसदीय कार्य मंत्रालय ने विकसित किया है, जिसका प्रशिक्षण भी विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के 84 नोडल अधिकारियों को दिया जा चुका है। 2007 से लेकर अब तक संसद में मंत्रियों के कुल 26,830 आश्वासनों को छांटा गया। इसमें से 21,439 आश्वासन पूरे हो चुके हैं और 1,903 आश्वासनों को वापस लिया गया, लेकिन अब भी 3,488 आश्वासन अनुपालन के लिए लंबित हैं। अब तमाम आंकड़ों के साथ ये www.oams.nic.in वेब पोर्टल पर उपलब्ध हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार में जितनी तेजी से डिजिटलाइजेशन हो रहा है, मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, लोगों को सूचना मिल रही है, उस सूचना से लाभ हो रहा है, मैं नहीं समझता पिछले 47 से लेकर अब तक कभी भी ऐसा हुआ होगा। यह संसद का उच्च सदन यानी राज्यसभा इस क्षेत्र में बाकी सभी सदनों से अग्रणी रहा। राज्यसभा के वाद विवाद पोर्टल में 13 मई 1952 को हुई सभा की पहली बैठक से लेकर अब तक की सभी कार्यवाहियां उपलब्ध हैं। करीब 10 लाख पेजों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में लाने का भागीरथ प्रयास राज्यसभा सचिवालय और NIC ने पूरा किया। सीडैक की मदद से सदन के लिए खास तौर पर बना मंत्र अंग्रेजी दस्तावेजों का हिंदी अनुवाद करता है। राज्यसभा में कंप्यूटरीकरण का दौर 1987 में आरंभ हुआ। फरवरी 1995 के दौरान सामान्य प्रयोजनों संबंधी समिति ने सांसदों को लैपटॉप देने के मुद्दे पर विचार किया और नियम बने। पूरा परिदृश्य धीरे धीरे बदलने लगा और 2010 के बाद राज्यसभा को पेपरलेस बनाने की मुहिम के तहत कई कदम उठाए गए। मैं इसमें अपने चेयरमैन साहब को माननीय वेंकैया नायडू जी को बधाई देना चाहूँगा कि ये एक ट्रांसलेशन का है, बड़ा भारी विषय है भाषाओं का। अब हिंदी भाषी लोग अंग्रेजी नहीं समझते, अंग्रेजी भाषी लोग हिंदी नहीं समझते, तो 22 भाषाओं का ट्रांसलेशन करना एक बहुत अच्छा कदम है। और वाईफाई से युक्त करना और सारा ये नोटिस वगैरह का ऑनलाइन हो जाना, ये सारे आज के जो आधुनिक में आवश्यकता है उसे पूरी कर रहे हैं। मानसून सत्र 2018 के दौरान सभापति राज्यसभा M. वेंकैया नायडू के आदेश से सदस्यों को ऑनलाइन नोटिस देने की सुविधा उपलब्ध हो गई। राज्यसभा ने इसके लिए ई नोटिस पोर्टल बनाया, जिसका प्रयोग सहज है। सभापति के निर्देश पर सांसदों और उनके सहयोगियों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था भी की गई। सांसद इलेक्ट्रॉनिक रूप से नोटिस देने लगे हैं। इस वेब आधारित सुविधा से नियमों के तहत राज्यसभा में उठाए जाने वाले सभी विधायी काम, प्रश्नकाल, शून्यकाल, विशेष उल्लेख, ध्यानाकर्षण और अल्पकालिक चर्चा से संबंधित सदस्य सूचनाओं को ऑनलाइन प्रस्तुत कर रहे हैं। हाल के महीनों में राज्यसभा सचिवालय ने कई ठोस पहलकदमियां ली हैं, जिसकी सीधे महासचिव राज्यसभा देश दीपक वर्मा निगरानी रख रहे हैं। आइए एक नजर डालते हैं राज्यसभा सचिवालय में की गई नई पहलकदमियों पर। ई नोटिस, संसदीय नोटिसों को ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत भेजना। सदस्यों के लिए अति सुरक्षित लॉगिन पोर्टल। संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी 22 भाषाओं में बोल सकते हैं सदस्य। ई ऑफिस के तहत इलेक्ट्रॉनिक फाइल मैनेजमेंट सिस्टम और कई नई पहल। नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम। नाउ ही हैज मेड एवरीथिंग ऑनलाइन। अर्लियर इफ यू आर सम आउट ऑफ स्टेशन एंड देयर इज अ जीरो आवर टू बी रेस्ड फ्रॉम आवर प्लेस, दो इट मे बी अ मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस, वी कुड नॉट ब्रिंग इट ऑन दैट डे because any notice even sent by fax will not be accepted, we have to come in person. But now he has made everything online, so paper without a government or a nation should run by less use of paper. It's not only on paper, now in practice that he has said that all representation, all motions, any notices can be given online, and that's a very good gesture. He is technologically by way of ethically, everything is different. He is proving himself. We are very happy.
सभापति राज्यसभा की ओर से हाल के महीनों में कई नई पहलों और राज्यसभा सचिवालय की भूमिका का सीधा असर सदन की उत्पादकता पर भी दिख रहा है। लोकसभा ने भी हाल के वर्षों में इस दिशा में काफी काम किया है। जून 2010 में महासचिव लोकसभा की अध्यक्षता में गठित एक समिति की सिफारिश पर सचिवालय को पेपरलेस बनाने की दिशा में कई कदम उठ चुके हैं। लोकसभा की कार्यवाहियों और रिकॉर्डों के डिजिटाइजेशन की दिशा में कई पहलकदमियां ली गई हैं। कई विधानसभाओं ने भी इनसे सीखने की कोशिशें की हैं। राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी ने इन प्रयासों के प्रति जागरूक बनाने में मदद की है। नेशनल ई विधान के मामले में भारत सरकार पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों को 90% तक सहायता दे रही है। विधान मंडलों वाले केंद्र शासित प्रदेशों को 100% सहायता दी जा रही है। अन्य राज्यों को 60% तक सहायता उपलब्ध है। ई विधान की निगरानी को विधान मंडलों में ई गवर्नेंस और जनरल पर्पस कमेटी बनाई जा रही है। ई विधान के ट्रायल रन से लेकर 3 वर्षों तक भारत सरकार मदद जारी रखेगी, जबकि बाद का व्यय राज्य विधान मंडलों को करना होगा। बहुत से राज्यों को सहायता की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कारण एप्लीकेशन बना बनाया है, डाटा एंट्री करने उनके पास लोग हैं और टैबलेट डिवाइस पर मोबाइल डिवाइस पर एक्सेसिबल है, तो कोई ज़्यादा खर्चे की जरूरत नहीं पड़ेगी। ई विधान के मामले में संसदीय कार्य मंत्रालय के साथ NIC तकनीकी साझेदार है। वही परियोजना के लिए तकनीकी समाधान और जरूरी हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और अन्य सेवाओं को मुहैया करा रहा है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में ई विधान भी इसी की मदद से साकार हो पाया। पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, सिक्किम, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, केरल, पुदुचेरी और मणिपुर विधानसभाओं में भी इसकी प्रभावी शुरुआत हो गई है। We have a 60 member house and we have already initiated by having a building which is suited for a building which will be suitable for the installation of the e-vidhyan. This e-vidhyan, when we heard about it, we liked it because it will save time, it will save money, and it will be transparent on all accounts. Abhi hum Delhi aake dekha hai ki ye jo e-vidhyan hai kitna bharti ho raha hai and the improvement. Or Mizoram mein to we are just starting actually, and we still have a lot to learn. But seeing the workshop jo idhar hai, we find it very, very good, very impressive, very informative. And the very fact that we are going to be paperless in future, very soon, is very exciting. कई राज्यों में विधायी निकायों को पेपरलेस बनाने का कामकाज आगे बढ़ रहा है। 2010 में मध्य प्रदेश में एक छोटी सी शुरुआत हुई, लेकिन आज 55% तक ऑनलाइन कामकाज होने से काफी बचत हो रही है। आरंभ में सरकारी विभाग और विधायक तैयार नहीं थे, लेकिन आज माहौल बदल रहा है। पेपरलेस तो नहीं, लेकिन लेस पेपर असेंबली जरूर मध्य प्रदेश विधानसभा बनी है। हमने, जैसे मैंने कहा कि प्रश्नोत्तरी बहुत बल्कि 500-700 पेज की जो छापते थे, वो हम 10-10 पेज की ही केवल छापते हैं। 25 क्वेश्चन जो स्टार प्रश्न रहते हैं जो हाउस में चर्चा होने हैं, बाकी हम ऑनलाइन उनको मेल के द्वारा भेज देते हैं, तो उससे उनको पूरी जानकारी मिल जाती है। और फिर हम अपनी वेबसाइट पर भी हम अपलोड करते हैं। प्रोसीडिंग भी हम डेली, जैसे ही लंच तक की प्रोसीडिंग हुई, लंच के गैप में हम लंच वाली प्रोसीडिंग डाल देते हैं। साथ ही साथ हम अपना क्या है, अपने रिकॉर्ड का डिजिटाइजेशन भी करा रहे हैं, क्योंकि अब 56 और उसके पहले का 52 से लेकर हमारा स्टाफ वो भी खराब हो रहा है, और स्टाफ भी जो इंस्टीट्यूशनल मेमोरी जिसको कहते हैं वो भी नहीं बचा है। पहले रेफरेंस निकालने पड़ते थे, तो उसको हमने डिजिटाइज करा रहे हैं। और अगर ये ई विधान आता है तो चूंकि सर्च करनी होगी, रेफरेंस निकालने होंगे, तो दोनों जब आ जाएंगे तो निश्चित तौर पर बहुत उपयोगी होगा। और उससे मेंबर्स को भी पूरी जानकारी मिलेगी, उनकी हाउस में परफॉर्मेंस भी बढ़ेगी, और जो डिस्कशन होता है उसकी भी क्वालिटी इम्प्रूव होगी। Allow him direct access to the citizen, make it easy and simple so that citizens can have access to parliamentarian and parliamentarian and legislature can have access to data and to information, which is the power today. And I, to my mind, this is the most revolutionary thing. This is the biggest revolution you will make. This will be the biggest kranti you will do in India if you are able to simplify this. And it is incumbent upon all of us as good citizens of India and as good officers to make this happen. So go back to your states,
It is a unique initiative because we in Niti Aayog work with the states. And without the states, India is a federal polity. Without the states, we can't do anything. States have to be the driver, and the states' parliamentary secretaries have to be the drivers of this change. Please make this change, and you will achieve the biggest satisfaction. You will achieve a revolution, but you will get satisfaction, you will get job content. पंजाब विधानसभा ने 2015 से ई विधान की दिशा में पहल की और आज अग्रणी भूमिका में है। 1937 से लेकर विधानसभा की कार्यवाहियों और तमाम अहम दस्तावेजों को इसने डिजिटाइज कर दिया है। पंजाब में 60% युवा विधायक हैं और वो नई तकनीकों के उपयोग में खासी दिलचस्पी ले रहे हैं। कई विधानमंडल डिजिटल लाइब्रेरी की दिशा में आगे बढ़े हैं। जब से ये नेशनल ई विधान एप्लीकेशन के बारे में पंजाब को भी सूचित किया गया है इधर पार्लियामेंट्री अफेयर्स डिपार्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो उससे पहले भी हमने वहाँ पे अपने वेबसाइट बना रखी थी punjabassembly.nic.in। तो हमारा यही अब थ्रस्ट है पंजाब का भी, विधानसभा का भी, और इवन गवर्नमेंट की भी जो अपनी वेबसाइट्स हैं उस पर सबसे ज़्यादा थ्रस्ट यही दिया जा रहा है कि सब कुछ उस पर अपलोड कर दिया जाए और सारा जो कि पब्लिक के डोमेन में डॉक्यूमेंट्स हैं उनको, उसके बारे में जो नॉलेज चाहिए और थोड़ा यूज़र फ्रेंडली भी हो जाए, तो हमने इसी तरफ कोशिश की हुई है और काफ़ी ज़्यादा उस पर अब हमारा डेटा जो है पंजाब असेंबली का भी एंड पंजाब गवर्नमेंट का, उनकी तरफ से वो सारे का सारा अपलोड करते जा रहे हैं और काफ़ी हो भी चुका है। देश में सबसे बड़ी उत्तर प्रदेश विधान परिषद और विधानसभा तकनीक की दिशा में आगे बढ़ रही है। वहीं गोवा विधानसभा का पेपरलेस सचिवालय एक नज़ीर बन गया है। हरियाणा विधानसभा भी पेपरलेस बनने की तरफ अग्रसर है, जबकि उत्तराखंड की विधानसभा सचिवालय ई विधानसभा के लिए पहल कर चुका है। राज्य में पहली बार ई बजट सदन में प्रस्तुत किया गया। कई दूसरे राज्य भी इस नई पहल के लिए कमर कस रहे हैं। माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी का जो मानना है, कंसेप्ट है, और वो डिजिटल इंडिया का कंसेप्ट है, उस डिजिटल इंडिया से विधानसभाएं अगर बाहर हो जाएंगी तो बाकी डिजिटल इंडिया का जो कंसेप्ट है वो फीका पड़ जाएगा। तो इसलिए डिजिटल इंडिया का कंसेप्ट करते समय विधायक अपडेट हो, हमारा मंत्री अपडेट हो, हमारी विधानसभाएं अपडेट हो, ये बहुत जरूरी है और उसके लिए नियमित ट्रेनिंग की जरूरत है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के साथ नई तकनीकों को लोकतांत्रिक संस्थाओं से जोड़कर उनको नई ताकत दी जा सकती है। एक दूसरे के अनुभवों से बहुत कुछ सीखा समझा जा सकता है। लोकसभा और राज्यसभा टीवी के अलावा कई सदनों की कार्यवाहियां वेबकास्टिंग पर दुनिया के किसी भी कोने में देखी जा सकती हैं। अगर ई विधान के तहत सारे सदन आपस में जुड़ जाते हैं तो बेशक विधायी निकायों को नई ताकत मिलेगी। वैसे तो विधायी निकायों को पेपरलेस बनाने की दिशा में कई बार गंभीर प्रयास हुए हैं और इस बाबत पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में भी कई बार बातें उठी हैं, लेकिन पहली बार भारत सरकार ने डिजिटलीकरण और पेपरलेस पार्लियामेंट की ओर काफ़ी गंभीर ध्यान दिया है। इससे विधायी निकायों की तस्वीर बदलेगी और इसके साथ काफ़ी बचत होने के साथ ही साथ आम जनता और जनप्रतिनिधि दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब आ सकेंगे। इस एपिसोड में फिलहाल यहीं तक, आगे मिलेंगे किसी और खास एपिसोड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।